ओके सो वील स्टार्ट ये विथ हेनरी फाइल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। येस्टरडे वी हैव सीन फ्यू प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फाइल्स विच वे वी हैव सीन व्हाट यू बेसिकली मीन बाय प्रिंसिपल्स। तो हमने देखा था पहला डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा हमने देखा था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, द थर्ड वन वॉज डिसिप्लिन, देन द नेक्स्ट वन वॉज यूनिटी ऑफ कमांड, एंड उसके बाद हमने देखा था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एंड वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल्स व्हाट डू यू मीन बाय दिस थिंग्स। इसके साथ ही साथ हमने एच मास्लोस नीड हायरार्किकल थ्योरी भी देखी थी। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल। मतलब ऐसा होता है कि हमारा जो कुछ भी पर्सनल है उनको साइड में रखना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट। देखो एक वो मूवी तो वहाँ पर रहता है कि फर्स्ट यू हैव टू प्ले फॉर योर कंट्री, देन यू हैव टू प्ले फॉर योर टीम, एंड देन इफ देर इज सम गेम लेफ्ट देन यू हैव टू प्ले इट फॉर योर सेल्फ, दैट इज़ वॉट इट इज़। ये भी ऐसी है, ऑर्गेनाइजेशन इज एट हायर लेवल, आपका सबॉर्डिनेट जो आपका इंडिविजुअल है वो सबसे लास्ट होगा इंटरेस्ट। द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट इज गिवन प्रेसिडेंस ओवर इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। जैसे हो सकता है कि आपको एक तकनीक जो आपको बहुत आसान लगती हो करने में और आप उसमें काफ़ी एक्सपर्ट हो और आप चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट करें, बट बाकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो इतनी बेनिफिशियल नहीं है, तो आपको भले ही वो इजी लगता हो लेकिन आपको उस वे से चलना पड़ेगा जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हिसाब से बेहतर है, जो उन सब के लिए ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट आर डिफरेंट देन मैनेजर्स मस्ट ट्राई टू रिकनसाइल देम। और यहाँ पर भी देखो मैनेजर का रोल आता है कि वो उनको पता करना पड़ेगा कि उनके जो एम्प्लॉयज़ है दर पीपल कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में और एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट किस चीज़ में, एंड दे शुड बी वन यूनैनिमस, यानी सब एक ही तरह से एक हिसाब से जो कॉमन गोल की तरफ वर्क करते हो और सबके इंटरेस्ट कॉमन हो तो देन यू विल वर्क इन, इफ नॉट देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट शुड बी सेक्रीफाइस्ड। फैक्टर्स लाइक लेजीनेस, एम्बिशन, सेल्फिशनेस, केयरलेसनेस एट्सेट्रा ट्रेन टू रिड्यूस ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अब आप एक चीज़ बता रहा हूँ, होता है ऐसा कि सुपर सपोज कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ट्रेंड होता है कि जन सपोज हर मंडे एट मॉर्निंग 10 देर इज टू बी मीटिंग, सो वॉट नीड्स टू बी डन विन द नेक्स्ट वीक, द प्लानिंग ऑफ एंटायर वीक, द मीटिंग्स टू बी शेड्यूल्ड एट 10, बट देयर कुड बी सम मैनेजर हु कुड से कि 10 इज नॉट ओके फॉर मी, आई विल बी देयर एट 11, बट ओनली वन पर्सन इज देयर एट 11, रेस्ट आर रेडीली एंड रेस्ट आर रेडी विथ बींग देयर एट 10, सो वॉट विल हैपन। तो आपको बोलना पड़ेगा नहीं, क्योंकि बाकी सब 10 बजे आने में कंफर्टेबल है तो आपको 10 बजे ही आना पड़ेगा। नहीं तो आप बोल सकते हो कि नहीं ये काम मैं कब करूँगा, कि मैं ये प्रोडक्शन कल निकलता हूँ। नो इट इज़ नॉट लाइक दैट, कि अगर इस प्रोडक्शन की प्रायोरिटी है वो सेट हुआ उस तरह से तो आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, यानी भले आपको आपके रास्ते या आपका और इंटरेस्ट उसको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। सो दैट इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। जैसे देखो एक सिंपल सा एग्जांपल ये तो हम हजारों जगह पे देखते हैं कि अगर सपोज जिनके जिनके बेटे जो डिफेंस में जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है उनके लिए उनका देश होता है। तो हमने कई बार मूवीज़ में देखा है, दैट इज़ रियल सीन, वी हैव सीन इट सो मैनी टाइम्स। और मिलिट्री पर्सनल, एयरफोर्स पर्सनल, नेवी पर्सनल और डिफेंस पर्सनल दे जस्ट गेव सेकेंडरी प्रिफरेंस टू देयर लाइफ, सेकेंडरी वन टू देयर मैरिज, टू देयर फैमिली, टू देयर चाइल्ड हस्बैंड, देन टू देयर हस्बैंड, टू देयर वाइफ्स, टू देयर चिल्ड्रन, टू देयर पेरेंट्स एंड सो ऑन, दे गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू द कंट्री। तो उनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट जब तक वो साइड में नहीं रखेंगे दे विल नॉट बी एबल टू सर्व द नेशन। द सेम हैज़ टू बी डन हियर, यू हैव टू सर्व योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप सिर्फ इतना सोच के चले कि बेसिकली देर इज अ टाइमिंग फ्रॉम 9 to 6 एंड आई एम गोइंग टू वर्क इन दैट स्लॉट, बस मुझे उतने एक टाइम में काम करना है, तो फिर ऐसे जो लोग रहते वो ऑर्गेनाइजेशन गड्ढे में चले जाता। आपको ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से वर्क करना था कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है तो मेरी भी ग्रोथ इसके साथ होगी, ये पैरेलल चलेगी। आई वॉन्ट टू ग्रो विद द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार लोग पूछते हैं इंटरव्यू में ही पूछते हैं कि वॉट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डू यू प्रीफर, तो जो कुछ भी आपने सोच समझ के रखा है तो उसमें आप ये क्वेश्चन डालते हो कि आपका एम ये भी है कि वन ऑफ देम इज़ टू ग्रो विद द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ वॉट सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल वन। हमको हमारा पर्सनल साइड में रखेंगे तभी हम लोग इसमें आगे बढ़ पाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन ऑफ रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी प्रैक्टिकल थिंग, वी आर ऑल डूइंग दिस थिंग, दैट मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन, एन एम्प्लॉयर, अ मैनेजर, एवरी वन दे आर वर्किंग फॉर मनी। ये कुछ ऐसा चैरिटी वाला बिजनेस नहीं है, यहाँ पे कोई सेल्फ सर्विस वाला पार्ट नहीं है कि वो सोसाइटी को सर्विस दे रहे, नो दे आर चार्जिंग, दे आर चार्जिंग द एम्प्लॉयज, और जो आपको ऑर्गेनाइजेशन भी वर्क दे रही है उसके लिए आपको पैसा मिल रहा है। तो अगर ये परफेक्ट रहा, इट इज सेड दैट कि अगर आपकी सैलरी ओके रही तो आपकी मेजोरिटी चीज़ें ओके होती है,
क्योंकि क्या होगा, अगर आपको सपोज आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है और आप 10 रुपये के लेवल का काम डिमांड करोगे और आप उसको 6 रुपये पे करोगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ पर बेस्ट परफॉर्म होगा, आपको आपका काम मिलेगा ही नहीं। देर इज़ वन कंसेप्ट, इट कॉज दैट डिमांड फॉर एक्सेलेंस एंड बी रेडी टू पे फॉर दैट। एकदम बढ़िया से बढ़िया काम की डिमांड करो, लेकिन उसके लिए आपको पैसा भी देना ही पड़ेगा वही हिसाब से। सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स एंड इट इज़ इन फेवर ऑफ द एम्प्लॉयज, ऐसा लोगों को लगता है, बट इट इज़ इन द फेवर ऑफ द एम्प्लॉयर। क्योंकि जितना बेस्ट आप पैकेज देंगे तो आपको लगेगा नहीं एम्प्लॉय को मैं इतना पैकेज दे रहा होता है तो एम्प्लॉय इससे बहुत खुश ही रहेगा, वेरी गुड, कि एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए कंसेप्ट, नो इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर। क्योंकि आप जितना परफेक्ट उसको, जितना इंडस्ट्री के हिसाब से, टर्म्स के हिसाब से उसको पैकेज पे करोगे, तो उसका उसका सेटिस्फैक्शन उतना बढ़ता रहेगा, और जितना ज़्यादा वो सेटिस्फाई रहेगा ही विल गिव यू दैट मच गुड सर्विस। उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी और उसकी सर्विस और उसकी क्वालिटी सब कुछ इम्प्रूव करेगी। सो वैन एवर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू आर एट अ मैनेजरियल पोजिशन, देन यू मस्ट ट्राई टू गिव द बेस्ट इन द इंडस्ट्री वॉट एवर पॉसिबल। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ लुटा देना है, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर लेवल तक पे करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि फिर एक सिंपल सी बात है कि अगर आपको 5-स्टार होटल की चाय पीनी है तो आपको 10 रुपये में नहीं होने वाला है। तो सेम इज़ द थिंग। तो या आप कितना भी अच्छा पर्सन हायर करो, एक अच्छी क्वालिटी का पर्सन हायर किया लेकिन उसको कम पे करेंगे तो वो इतना क्वालिटी देगा ही नहीं। और अगर आप कम पैसे में ही हायर करना चाहते हैं तो एक कम क्वालिटी वाला पर्सन हायर किया तो उसका तो एक वो पर्टिकुलर क्वालिटी लेवल तक पहुंचने का सवाल ही नहीं आएगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट शुड बी फेयर एंड इक्वल। ये पॉलिसी एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि इसका पेमेंट कितना है, उसका इंक्रीमेंट कितना है, उसका परफॉर्मेंस कितना है, कितना बोनस आता है एंड ऑल द थिंग्स। Fair and equitable wages are to be paid to the employees to ensure their satisfaction and increase productivity. Remuneration of employees should be fair, reasonable and satisfactory. It should provide maximum satisfaction to employees and employers. Dissatisfaction will lead to increase in employee turnover. और generally क्या होता है, जहाँ पर लोग बार बार छोड़ के जाते हैं कि आज X person था, कल Y person है, फिर Z person है, तो ऐसे institutions, organizations, employments का क्या होता कि वहाँ से लोगों का trust उठना start होता है, because this will lead to increase dissatisfaction. कि अगर turnover continuous हो रहा है, that means with the organization is not capable of holding the people. And if it is so, if it is not capable, that means there are certain issues with it. So then what happens, slowly it will start degrading. There is one concept, it is called as a win-win situation for both the parties. कुछ ऐसा डील होना चाहिए कि आप भी जीतो मैं भी जीतूँ, बिकॉज अगर आप हारते हो और मैं जीतता हूँ तो, बट ऑब्वियसली इफ़ द एम्प्लॉयर विंस इन अ नेगोशिएशन, तो एम्प्लॉय के मन में हमेशा रह जाएगा कि कोई बात नहीं, आज मुझे नौकरी चाहिए थी तो इन्होंने अपने हिसाब से तो मुझे यहाँ पर कम सैलरी में एडजस्ट करवा लिया, कम रेमुनेशन मैंने हाथों कर दिया, लेकिन बट व्हेन एवर आई एम गोइंग टू गेट द चांस आई एम गोइंग टू लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन इवन विदाउट अ सेकंड थॉट। अगर आप ज़्यादा पे करता हो तो एम्प्लॉयर के मन में हमेशा रहेंगे यू आर पेइंग मी मच मोर हायर लेवल, तो उससे और ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा काम का, कि उसको ये बर्डन देगा वो बर्डन देगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक हमेशा जो रिपोर्ट बनना चाहिए, एक प्रॉपरली जिसको बोलेगे एक परफेक्ट रिलेशनशिप आना चाहिए बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, दैट विल नॉट बी क्रिएटेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट वॉट विल हैपन, देर विल बी अ काइंड ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। सो जो सेटिस्फैक्शन है वो बोथ पार्टीज़ को होना चाहिए। जब आप इंटरव्यूज का भी फेस करोगे ना, तो ये डील होता है, दिस इज़ द वे हाउ यू डील विद द इंडस्ट्री, कि आपको बेस्ट मिलना भी चाहिए और उन्होंने बेस्ट देना भी चाहिए, और ऐसी डील हो कि उनको भी लगे कि ओके और आपको भी लगे ओके, दैट इज़ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज़। वैसे इसके बारे में नहीं बताए तो भी चलेगा, क्योंकि पैसा है, पैसे का वैल्यू सारी दुनिया को पता है। वॉट इज़ मनी, ऐसा बोला जाता है, इफ़ मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट इट इज़ समथिंग विच कैन गिव यू majority of things. Okay, there is a one very important saying by Bill Gates. He says that money is not everything, but make sure you have made a lot of it before uttering such nonsense. मतलब वो कहना चाहता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह बकबक करने से पहले ये assure कर लो कि आपने बहुत सारा पैसा कमाया हुआ, that means money is very very important factor. Then centralization and decentralization. हमने सेंट्रलाइजेशन देखा था और डिसेंट्रलाइजेशन हमने देखा था अलॉन्ग विथ डेलीगेशन। तो आप परफेक्टली अगर डेलीगेट करते हो सेंटर से, सारे डिपार्टमेंट को राइट्स देते हो, तो यू कैन कॉल इट एज सेंट्रलाइजेशन। और दूसरा जो पार्ट आता है दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कि आप सेंटर से डेलीगेट कर रहे हो, सारी डिपार्टमेंट्स तक दे रहे हो, और सेंट्रलाइजेशन मीन्स आप मैक्सिमम सेंटर के हाथ में रख रहे हो। तो ये हमने देखा था कि कुछ अथॉरिटीज़ यू कैन गिव इट टू द सेंटर एंड सम अथॉरिटीज़ यू हैव टू कीप इट विथ योर सेल्फ।
Centralization is when the top level retains authority, and decentralization is where there is a delegation of authority at all levels. अब पूरा centralization और पूरा decentralization it will not work. There has to be a balance between them. कि centralization और decentralization ये एक perfect level में balanced होना ही चाहिए, तभी गाड़ी बरोबर आगे बढ़ेगी. क्योंकि अगर सारी power of center के हाथ में रखोगे तो छोटे से छोटे decision के लिए center का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, उनके पास इतना वक्त नहीं हो पाएगा. क्योंकि डिफरेंट सारे डिपार्टमेंट्स है, हर चीज़ हर जगह अलग अलग डिपार्टमेंट और इतने सारे छोटे छोटे इश्यूज़ है, तो अगर आप अथॉरिटी सब सेंट्रल में रखोगे तो उनको वो मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाएगा. और अगर आप पूरी और डिसेंट्रलाइज कर दोगे, सेंटर के हाथ में कुछ भी नहीं रखेगा, तो फिर धुलदानी हो जाएगी, हर कोई अपने हिसाब से काम करेगा. सो देयर हैज़ टू बी अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन दिस डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. Delegation you have to do, but delegation should be proper and fair. Everything which goes to increase the importance of subordinates role is decentralization. कि जिससे subordinate को एक confidence आता है कि नहीं, सर ने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया है, मेरे भरोसे responsibility दिए, तो I will prove to it. So he will grow, he will give his best, he will get chance to promotion. और एक simple एक concept आपको बता दो कि कई लगा जगह पर हम लोग सुनते हैं कि कई ऐसे जो काफ़ी पहले की बात है कि मेरे दोस्त कहा करते थे कि वो इंडस्ट्री में एक दो मशीन्स ऐसे ही पर्टिकुलरली कि जिसको सिर्फ मैं ही अकेला देख सकता हूँ, बिल्कुल पूरी इंडस्ट्री मेरे भरोसे है, और वो किसी को इसका ज़्यादा उसमें एक्सपर्ट नहीं होने देता. क्योंकि अगर वो बना देगा किसी और को एक्सपर्ट तो उसकी पोजीशन चली जाएगी, मतलब वो मशीन्स काफ़ी लोगों को ऑपरेट करती आती वो पर्टिकुलर डिवीज़न में, वो पर्टिकुलर यूनिट में, तो इसका महत्व कम हो जाएगा. स्पेशलाइजेशन इसकी जो एक अलग से ट्रीटमेंट है, बट दैट इज़ अ वेरी बैड कंसेप्ट. अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, अगर लाइफ में आगे जाना है, तो अब देखो अगर वो बंदा जो पर्टिकुलर एक मशीन हैंडल करता है वो वेरी एक्सपर्ट है उसके अंदर, तो उसके लिए हमेशा उस मशीन से ही बनकर उसका करियर रह गया है, वो आगे जा ही नहीं पाएगा. क्योंकि सब लोग बोलेंगे नो सर, ही इज़ द बेस्ट, ही कैन हैंडल दैट पर्टिकुलर मशीन इन अ वेरी गुड मैनर. सो हम इसको वहाँ से हटा नहीं सकते, हमको उसको वहीं पर ही रखना चाहिए सर. तो आगे जो कुछ और पोस्ट आएगी उसकी एलिजिबिलिटी उसके लिए वैसे ही ख़त्म हो गई. अगर वही पार्ट वो किसी और को सिखा देता था कि ओके ही हैज ट्रेंड फ्यू प्रोफेशनल्स अंडर हिम, कि उसके कुछ कलीग्स को, कुछ जूनियर्स को उन्होंने उसको ऑपरेट करना सिखाया, तो ना हु हैड बीन मोर फ्री, उसको एक फ्री हैंड मिलता था कि वो कुछ और कर सके, कुछ अच्छा कर सके, कुछ बेहतर कर सके. इसलिए डेलीगेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिसेंट्रलाइजेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड गिव योर कलीग्स, योर सबॉर्डिनेट्स अ चांस टू इम्प्रूव देमसेल्फ. क्योंकि वो अगर कुछ इम्प्रूव करेंगे, आपके सबॉर्डिनेट अगर बेहतर बनोगे, तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, बिकॉज दे विल हेल्प यू इन अचीवमेंट ऑफ योर गोल्स. और हम सबका एक कॉमन गोल क्या है, द ऑब्जेक्टिव एंड द टारगेट एंड द पॉलिसीज सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप आपके साथ वाले आपके जूनियर को आपको बेवकूफ़ बना के रखना है, तो उसकी तकलीफ आपको ही होगी. कई जगह पे मैनेजर्स ऐसे होते हैं कि अगर आप कोई अच्छा कंसेप्ट उनको बताओ तो वो आपको बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं, कि आपको इतना डीमोरलाइज कर देते हैं कि नहीं नहीं ये हमको भी समझता, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, ये ऐसा होने ही नहीं चाहिए. और याद रखो जहाँ जहाँ पर भी ऐसा होता ना, वो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बिगड़ जाता, और एक बार कल्चर बिगड़ा तो धीरे धीरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ने की शुरुआत होती. और कई सारे ऐसे नाम्स हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस जो वर्क कल्चर की वजह से इस तरह की चीज़ों के, जिनमें दरारें पड़ गई, जो धीरे धीरे डूबित चले गए, डूबित खाते में चले गए. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन. एवरीथिंग विच गोज़ टू डिक्रीज इट्स सेंट्रलाइजेशन. देखो एवरीथिंग विच गोज़ टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट्स, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, और जिससे उनका इंपॉर्टेंस डिक्रीज होता वो होता सेंट्रलाइजेशन. इन स्मॉलर फॉर्म्स सेंट्रलाइजेशन इज यूजली ऑब्जर्व. छोटी जगहों पे कुछ लोग ख्याल रख सकते हैं कुछ चीज़ों का, लेकिन बड़ी जगहों पे आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना ही पड़ेगा. इन लार्जर फर्म्स इंटरमीडिएट्स आर रिक्वायर्ड. इट्स डिग्रीज वेरीज ड्यू टू कैरेक्टर ऑफ मैनेजर, हिज मॉरल वर्थ, रिलायबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स एंड कंडीशंस ऑफ द बिजनेस. काफ़ी सारी चीज़ें, कैरेक्टर ऑफ मैनेजर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. स्वामी जी सेड कैरेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये फ्रेज तो सबको मालूम ही होगा, हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, सॉरी फॉर दैट, वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. तो आपका कैरेक्टर बहुत कुछ डिटरमाइन करता. आई टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ शिव खेरा, द राइटर ऑफ द बुक यू कैन विन. इट वॉज अ वेरी बेस्ट सेलिंग बुक. उसमें सबसे पहले जो कंसेप्ट उसने बताया, प्लीज़ रिमेन लिसन इट केयरफुली, और इसको सोचना और इसके ऊपर वर्क करना. You are hired because of your skills. You are hired because of your skills, but you are fired because of your behavior.
बट यू आर फायर्ड बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। मतलब आपको जब हायर किया था तो आपके स्किल्स को देखकर आपको हायर किया जाए था, आपको एक रोल मिला, आपको एक अच्छा काम मिला, लेकिन बाद में जो आपका एटीट्यूड था उसकी वजह से आपको उस इंडस्ट्री से निकाला जा सकता है। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, इस पर बिल्कुल सोचना। तो यही आता कैरेक्टर। कैरेक्टर में क्या होना चाहिए कि चाहे दुनिया कुछ भी करते रहे, यू मस्ट डू योर वर्क प्रॉम्प्टली, यू मस्ट डू योर वर्क ऑन टाइम, यू मस्ट बी सिंसियर अबाउट योर वर्क, यू मस्ट बी सीरियस अबाउट योर वर्क, यू मस्ट बी रेगुलर पंचुअल, एंड यू मस्ट हेल्प एवरी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो। क्योंकि आप अगर लोगों की मदद करेंगे तो लोग आपकी भी मदद करेंगे। और उसके बाद में कैरेक्टर में काफ़ी सारी बातें आती है, तो वो तो हम लोगों को समझते हैं जनरली कि किसी कोई एडिक्शन ना हो, कोई आप गलत तरीके से बिहेव ना कर रहे हो आपके कलीग्स के साथ, एंड सो मैनी थिंग्स दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ऐसा है कि मैनेजर जब तक हो तो आपके सबऑर्डिनेट्स आपको फॉलो तो, आपकी ऑर्डर्स को ओबे तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर एक स्ट्रांग पर्सन आपका एक स्ट्रांग कैरेक्टर है, तो जैसे हमने बोला था कि जैसे हमने एक एग्जांपल बताया था स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस, तो वो जैसे जो लोग हैं उनको लोग सिर्फ फॉलो ही नहीं करेंगे, उनका रिस्पेक्ट भी करेंगे, और वो जॉब छूटने के बाद भी उन लोगों से टच में रहना चाहेंगे, एंड दे विल बी लाइक अ वेरी यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर देम। उनके लाइफ में उनका बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा और इम्पैक्ट रहेगा, और वो जो पर्टिकुलर कैरेक्टर पर्सन ही विल ऑलवेज कमांड द रिस्पेक्ट, एक रिस्पेक्टेड, एक फादरली, एक सीनियरली फिगर की तरह। एंड इन दैट केस जब आपको लगता है कि आप किसी बहुत अच्छे इंसान के साथ काम कर रहे हो, तो आपका इफिशियंसी, आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। इट इज़ बट ऑब्वियसली वेरी सिंपल, इफ़ यू आर हैविंग होल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दैन दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट इन द लाइफ। और कैरेक्टर मतलब क्या, ये सारी चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस किए और आपको और भी ज़्यादा बेहतर समझ में आती होगी। हिज मॉरल वर्थ, रिलायबिलिटी ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स एंड कंडीशंस ऑफ द बिजनेस। तो हम किस बेसिस पे कर सकते हैं सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन? तो पहला तो उसमें आता कैरेक्टर ऑफ मैनेजर, देन हिज मॉरल वर्थ। मॉरल वर्थ मतलब कि उसके क्या आइडियोलॉजी से, उसके क्या टर्मिनोलॉजी से, क्या उसके बिजनेस एथिक्स है, व्हाट डज ही फॉलोस, वो कितना अपने सबॉर्डिनेट्स पर डिपेंड कर सकता है, एंड देन व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द बिजनेस। अगर जहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, देयर हैज़ टू बी डिसेंट्रलाइजेशन, वो करना ही पड़ता है। वैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में भी डिसेंट्रलाइजेशन करना ही पड़ता है, बट उसका जो लेवल होता है वो थोड़ा कम रहेगा, कि वो काफ़ी सारे फंक्शंस वो डेलीगेट नहीं करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइज नहीं होगी, सेंट्रलाइज के पास ज़्यादा राइट्स रहेंगे और डिसेंट्रलाइज थोड़ा कम होगा, बट इट हैज़ टू बी डन एट एवरी प्लेसेस। और उसी तरह कुछ चीज़ें सेंट्रलाइज रखना ही ज़रूरी है, नहीं तो उससे भी क्योस हो सकते। अगर आप सारे राइट्स आपके मैनेजर को दे देंगे तो देन दैट विल रिजल्ट इन टू द क्योस, फाइट बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। सो दैट इज़ द पार्ट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, स्केलर चेन। स्केलर चेन में कैसा है, देखो यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पर सिंपल एक चेन यू कैन सी, कि यहाँ जो पर्टिकुलर पर्सन है इसमें देखो, एफ इज़ रिपोर्टिंग टू ई, ई इज़ रिपोर्टिंग टू डी, डी इज़ रिपोर्टिंग टू सी, सी इज़ रिपोर्टिंग टू बी, बी इज़ रिपोर्टिंग टू ए, पी इज़ रिपोर्टिंग टू ओ, ओ टू एन, एम एन टू एम, एम टू एल, एंड एल टू ए। मतलब ये एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन है, इस तरह से ही जाना चाहिए, हाईएस्ट टू लोएस्ट टू अवॉइड द कन्फ्यूजन डिलेस। अब इसमें कैसा होगा, जिस तरह से हमने अथॉरिटी की बात की उसी तरह से कम्युनिकेशन यहाँ पर दिया है, कि ए से बी को, बी से सी को, सी से डी को, मतलब हायर लेवल से कम्युनिकेशन परकोलेट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स, पॉलिसीज फ्रेम होगी, वो धीरे धीरे नीचे परकोलेट होना चाहिए। इस डायरेक्शन में भी ए टू बी टू सी टू डी टू ई टू एफ, एंड ए टू एल टू एम टू एन टू ओ एंड पी। यानी कि अगर आप एक असिस्टेंट मैनेजर हो, अगर आप एक सुपरवाइज़र हो, तो आप आपके डिपार्टमेंट के असिस्टेंट मैनेजर को रिपोर्ट करोगे, आप उससे इन्फॉर्मेशन लोगे, वो लेगा उसके डिपार्टमेंट के मैनेजर को, सपोज़ प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर लेगा टेक्निकल मैनेजर से, लेकिन ये सभी डिपार्टमेंट में चलेगा। लेकिन अब ऐसा हो गया कि आपके डिपार्टमेंट के जो सुपरवाइज़र है प्रोडक्शन के, उसको कुछ हेल्प चाहिए एक पर्टिकुलर दूसरे डिपार्टमेंट की पर्सन की, तो उसको अगर ये कम्युनिकेशन की चेन फॉलो करना है कि वो अपने असिस्टेंट मैनेजर को बताएंगे, असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर को बताएंगे, प्रोडक्शन मैनेजर टेक्निकल मैनेजर को बताएंगे, वो किसी ऑपरेशंस मैनेजर को बताएंगे, फिर ऑपरेशंस मैनेजर उस पर्टिकुलर दूसरे डिपार्टमेंट के कोई मैनेजर को बताएंगे, वो उसके असिस्टेंट मैनेजर को बताएंगे, और फिर वहाँ से उसके सुपरवाइजर को, और ऐसा पूरा घूम के कम्युनिकेशन आएगा, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसके लिए एक छोटा सा चीज़ है यहाँ पर, इट इज़ सेड गैंग प्लैंक।
गैंग प्लैंक मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन को हम लोग ब्रिज करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन का जो स्केल है, अगर जी को सपोज क्यू से कुछ पूछना होता तो जी जाता एफ के पास, एफ जाता ई के पास, ई जाता डी के पास, डी जाता सी के पास, सी जाता बी के पास, बी जाता ए के पास, फिर ए जाता एल के पास, एल एम के पास, एम एन के पास, एन ओ के पास, ओ पी के पास और फिर पी क्यू के पास, तो फिर एफ का पी का कम्युनिकेशन होता है। लेकिन दिस विल टेक अ लॉट ऑफ ड्यूरेशन, और ये ज़रूरी नहीं है, इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। इससे तो ऐसा है आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को ख़राब कर दोगे। आप ये सब क्यों बनाते हो, प्लान्स पॉलिसीज, यू वाई डू यू पुट दिस प्रिंसिपल्स टू मेक दिस एन इफेक्टिव एंड इफिशियंट वन, बट यू गो फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स इट विल बी इनइफेक्टिव। सो वॉट दे डू कि देर इज अ कंसेप्ट कॉल एज गैंग प्लैंक। अ गैंग प्लैंक इज अ टेम्पररी अरेंजमेंट बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स टू फैसिलिटेट क्विक एंड ईजी कम्युनिकेशन, ताकि दो जो पॉइंट्स है डिफरेंस जो अगर चेंज से जाते तो ऐसा पूरा घूम के आता था, वो कम्युनिकेशन डायरेक्टली आराम से हो सके। दैट इज द पार्ट। सो नाउ व्हाट इज स्केलर चेन है देखते। देयर शुड बी अ स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑफ कम्युनिकेशन रेंजिंग फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल टू द लोएस्ट लेवल। अथॉरिटी और कम्युनिकेशन उसका फ्लो प्रॉपर होना चाहिए हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल। ईच कम्युनिकेशन गोइंग अप और कमिंग डाउन मस्ट फ्लो थ्रू ईच पोजिशन इन लाइन ऑफ अथॉरिटी। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि सभी चीज़ें सभी को पता हो। अगर जी एफ और डी को बाईपास करके अगर सी के पास चला गया तो ये जैसे कि अगर जो सुपरवाइज़र है उसने ना अपने असिस्टेंट मैनेजर को बताया ना उसके फ्लोर मैनेजर को बताया, वो सीधा चला गया प्रोडक्शन मैनेजर के पास। तो ये दो जो बीच के जो लोग हैं, प्रोडक्शन मैनेजर के बाद में जो फ्लोर मैनेजर और या फिर फ्लोर मैनेजर के नीचे या प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे जो फ्लोर मैनेजर और जो असिस्टेंट मैनेजर है, अगर इनको रिपोर्ट नहीं करेगा सीधा चले जाएगा मेन मैनेजर के पास। तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टली ऑर्डर ऊपर से नीचे फ्लो होगा। अब ऐसा है कि हमने पहले देखा था कि आपको एक ही पर्सन से डायरेक्शन एक काम के लिए मिलना चाहिए। अगर मैं दो लोगों से डायरेक्शन लेता हूँ तो फिर मुझे लिबर्टी मिलती है। तो इसलिए ये स्केलर चेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईच कम्युनिकेशन गोइंग अप और डाउन मस्ट फ्लो थ्रू ईच पोजिशन इन लाइन ऑफ अथॉरिटी। फॉयल ऑल्सो सजेस्टेड द कंसेप्ट ऑफ ग्लैंग प्लैंक। और इसी के साथ साथ ताकि एकदम रिजिड चेन ना बन जाए, रिजिड मतलब कि अब ऐसा बन गया कि फ्लेक्सिबल ही नहीं है, तो फिर इसकी वजह से ग्लैंग प्लैंक नाम का भी एक कंसेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है। दिस इज ऑल अबाउट द स्केलर चेन एंड गैंग प्लैंक। अब उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्डर, नेक्स्ट प्रिंसिपल। ऑर्डर मतलब कैसा होगा कि सबकी एक प्रॉपर जगह, एक प्रॉपर प्लेस। देयर मस्ट बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एवरीवन एंड एवरीथिंग और एवरीवन इन हिज और हर इंटरनेट प्लेस। मैं आपको इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल बताता हूँ कि जिसमें मैनेजमेंट के काइजेन के सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। हम लोगों ने हमेशा सुना हुआ है कि बोलते आपके जो माँ बाप है वो आपके सबसे पहले गुरु होते हैं। तो हम जिसे माँ की यहाँ पर बात करते हैं तो मम्मी जनरली किचन संभालती है। तो अब अगर आप उनके किचन की व्यवस्था देखोगे तो वहाँ पर परफेक्टली सब चीज़ें रखी हुई कि ये डब्बा यहाँ पर रखा है, ये डब्बा यहाँ पर रखा है, लाइटर यहाँ रखा है, पानी का यहाँ रखा है। और आप अगर कुछ दिन किचन में जाओ, एक दिन कुछ बनाने, तो आप क्या करोगे, ये चीज़ उठा के उधर रख दोगे, वो चीज़ उठा के उधर रख दोगे। तो इससे क्या होगा, एक दो दिन के बाद वो मॉम को मदद होने की जगह नुकसान ज़्यादा होंगे। तो व्हाट शी विल से कि एक काम कर बेटा, तू रहने दे, या बेटी यू लीव इट, ये मैं कर लेती, क्योंकि आप जो काम करते हो कि तूने जो काम किया उसके बाद में इतना डिस्टर्ब कर दिया कि नमक का डब्बा यहाँ रख दिया, शक्कर को यहाँ रख दिया, दाल इधर रख दी, लाइटर उधर रख दिया, गैस ऐसा कर दिया, ये वैसा कर दिया, एंड सो मैनी थिंग्स। तो वो दे विल प्रीफर कि नहीं इट्स ओके कि तू जो मेरी मदद कर रही है उससे मेरा एक्स्ट्रा काम ज़्यादा बढ़ रहा, सो लेट मी डू इट बाय माय ओन। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने साल वर्क करके वहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्डर बनाए, और जब सही जगह पर सही चीज़ें रखी होती है और आप उसको यूज़ करते हैं, इट बिकम्स वेरी इजियर कि आपके एक हाथ के रीच में कुछ तो भी एक चीज़ है, दूसरे हाथ के रीच में कुछ तो भी चीज़ है। सो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो अगर कुछ सीखना है तो वहाँ से सीखो, ये जो सारे कंसेप्ट इवॉल्व होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि काइजेन सिक्स सिग्मा टेक्निक, वहाँ पर क्लियर कट दिखता कि कैसे परफेक्टली हर चीज़ को यूटिलाइज करना है। दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग साइंस। असली शुरुआत मैनेजमेंट की वहीं से हो जाती है। अगर आप प्रॉपरली देखो एंड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग कि एक परफेक्ट टाइम पे सारे काम मैनेज करते हुए आपको जो कुछ भी चाहिए, रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग है, एंड इट इज़ बीइंग फुलफिल्ड बाय अ सिंगल पर्सन। सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड ही नोज ईच एंड एवरीथिंग, शी नोज ईच एंड एवरीथिंग कि यहाँ पर किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए नहीं चाहिए, वो सब प्रॉपरली उनको सब कुछ पता है, और सभी की जो रिक्वायरमेंट है परफेक्टली वहाँ पर हो रही है। सो दैट इज़ द थिंग, ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। अब इसके बाद जब भी आप किचन में जाओगे, अपनी मॉम को, अपने बहन को, अपने सिस्टर को, वाइफ काम करते हुए देखोगे, तो देन यू ऑब्जर्व देम कि आपको दिखेगा उन्होंने एक पर्टिकुलर ऑर्डर बनाया हुआ है हर चीज़ का।
वो चीज़ वहाँ की वहाँ पर ही रखती है, और उससे उनका काम बहुत आसान हो गया, बहुत जल्दी होता है और बहुत इफ़िशेंटली उसको अचीव कर पाती है। वही अगर नया पर्सन किचन में आता है तो ही विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट, और वो एक दो दिन के बाद में तो पूरी ऑर्डर ही डिस्टर्ब कर देगा। तो जनरल इंडस्ट्रीज़ में अगर बहुत ज़्यादा सपोज ये रहेगा कि टर्न ओवर होता रहा लोगों का, एक जा रहा दूसरा आ रहा, तो सब अपने अपने हिसाब से करते चीज़ें, तो दैट विल रिजल्ट इन टू द लॉस ऑफ इफिशियंसी, लॉस ऑफ टाइम, लेस प्रोडक्टिविटी। सो हेंस रिटेनिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड बिकॉज ऑर्डर इज मेंटेन्ड बाय द रिटेन पर्सन ओनली, सो रिटेनिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ऑर्डर होना ही चाहिए। सो दिस फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर, देयर मस्ट बी प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। वैसे भी एक कंसेप्ट है कि जहाँ पर देखो, मैं आपको सरकारी ऑफिस का जनरल बताता हूँ, मैं किसी एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज की बात कर रहा हूँ, बट एक गवर्नमेंट ऑफिस का जो एक जनरल पिक्चर हम लोगों के सामने आता, वो कैसा आता कि जनरली आप जिससे मिलने जाओगे वो पर्सन अपनी चेयर पर ही नहीं है, वो कुर्सी पर ही नहीं, वो गया होगा खर्रा खाने के लिए, चाय पीने के लिए, फ़ोन पे लगा हुआ रहेगा, वो अपने कामों में रहेगा, छुट्टी पे रहेगा, वाट एवर इट इज़, बट ही विल नॉट बी अवेलेबल देयर, वो रहता ही नहीं। तो इसीलिए एक कंसेप्ट है कि अगर आप ऐसा पर्सन अपॉइंट करते हो जो अपने चेयर पर बैठा रहा, तो ही विल डेफिनेटली डू हिज बेस्ट। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप मैनेजरियल लेवल के पर्सन हो और आप जहाँ पर बैठते हो, अब आपकी चेयर पर बैठने की आपकी हैबिट है, चाहे आपको काम हो या ना हो, तो बट ऑब्वियसली आप मैनेजर हो तो आपका स्किल, आपका इंटेलिजेंस आजू बाजू देखेंगे कि कैसा क्या वर्क हो रहा, तो बट ऑब्वियसली ही विल डिज़ाइन ए सिस्टम कि अरे ये चीज़ यहाँ क्यों रखी है, ये पर्सन ऐसे क्यों बाहर जाता, ये काम ऐसा क्यों हुआ। इसलिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में डिमांड की जाती है कि यू मस्ट बी एट योर प्लेस मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो आपने आपकी जगहों पर रहना ही चाहिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ कॉल्ड एज ऑर्डर। दिस प्रिंसिपल रिलेट्स टू द अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल, देयर शुड बी ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरी शुड बी इन प्लेस, लाइकवाइज राइट मैन शुड बी इन द राइट प्लेस। सो दैट इज ऑल अबाउट ऑर्डर। सो वॉट विल डू, विल स्टॉप हियर, विल सी द नेक्स्ट फोर प्रिंसिपल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू क्लास, जय हिंद।